नमस्कार दोस्तों, इरुडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में टाइम पास करने के टिप्स बताएंगे। ऐसे लोग जिन्हें कोरोना की आशंका की वजह से एकांत या क्वारंटीन में रहने को कहा गया है, वे वक्त बिताने के लिए इन्हें आजमा सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तमाम चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाते। अब जबकि टाइम मिला है तो उसे पूरा एंजॉय करें, क्योंकि जनता कर्फ्यू 22 तारीख को लगा था, अब आगे भी और लग सकता है। ऐसे में टाइम पास करने के लिए क्या क्या करें? पहला फर्स्ट पॉइंट यह है कि फ़ोन करें। अपने करीबी लोगों को फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हैं, जिनसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई उनसे भी बात कर रिश्तों में नयापन ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि फिल्में या सीरीज़ देखें। आप यूट्यूब पर या किसी इंटरटेनमेंट ऐप, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार आदि पर जाकर अपनी पसंद की फिल्में देख सकते हैं। कॉमेडी फिल्में देखें तो और अच्छा रहेगा, ये बोरियत और डिप्रेशन कम करेगी। चलिए कुछ कॉमेडी फिल्मों के नाम बताते हैं जो ऑल टाइम कॉमेडी फिल्में हैं। पहली है चुपके चुपके, जो 1975 में आई थी। फिर गोलमाल 1979, अंगूर 1982, जाने भी दो यारो 1983, मुन्ना भाई MBBS 2003, धमाल 2007, थ्री इडियट्स 2009। ये फिल्में ऑल टाइम कॉमेडी फिल्में, इन्हें आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको इंग्लिश फिल्में देखना या इंग्लिश कॉमेडी देखना पसंद है तो आप इंग्लिश की मूवी देख सकते हैं, टॉय स्टोरी 3, जुन्नो और ये सब। ये बोरियत ब्लॉकर और नॉक्ड अप, ओल्ड स्कूल, अबाउट अ बॉय, गुड बॉय, स्टेप ब्रदर्स, ये आल मूवी आप देख सकते हैं जिसे इंग्लिश मूवी देखना पसंद है। नेटफ्लिक्स की जो बेस्ट सीरीज़ हैं आप वो देख सकते हैं, जैसे द क्राउन, देवलोक, दिल्ली क्राइम, 21 सरफरोश, सारा घड़ी 1897, ये देख सकते हैं। अमेजन प्राइम पर द फैमिली मैन, द ग्रैंड टूर, द बॉयज, वन मिसिसिपी, ये आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई, द ऑफिस, मॉडर्न फैमिली। अब आप जिनको जिनके पास ये मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड या कुछ देखने के संसाधन नहीं, वो बुक्स पढ़ सकते हैं। आप किताबें तो पढ़ ही सकते हैं लेकिन चाहें तो डिजिटल बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अगर डिजिटल बुक पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो डिजिटल बुक भी पढ़ सकते हैं, वह भी फ्री में। इनके कुछ अच्छे सोर्स हैं, ये लिंक दे रखी हैं, ये आप इन लिंक पर जाइए और अपनी मनपसंद की बुक पढ़िए। यहाँ पर सब बुक अवेलेबल हैं फ्री में, वो भी ये आप देख सकते हैं लिंक क्या क्या है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब ऑनलाइन फ्री बुक्स, ऑनलाइन बुक्स पेज, ये और manybooks.net iOS के लिए प्लेटफॉर्म है। अब और क्या कर सकते हैं? नंबर फोर पॉइंट ये है कि आप डायरी लिखें। आप इस दौरान डायरी भी लिख सकते हैं, अकेले रहने के अनुभव के बारे में लिखें, अपने बचपन की बातों और ज़िंदगी के अहम पड़ावों के बारे में लिख सकते हैं, ज़िंदगी से मिले सबक पर भी लिख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव भी लिख सकते हैं। ये आप टाइम पर पास करने के जो टिप्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस।